हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। रोमियो 8 अध्याय के 13 वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के अनुसार दिन काटोगे तो जीवित रहोगे। यीशु ने यहाँ साफ साफ कहा है, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। गलातियों 6 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो अपने शरीर के लिए या शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। अभी समय है, लौट आओ यीशु के पास। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए, अपना जीवन बिताइए, वरना बाद में आपको पश्चाताप करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यूहन्ना 2 अध्याय के 16 और 17 वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, हुआ पिता की ओर से नहीं, मेरे प्रिय, हुआ संसार की ही ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसलिए जो कुछ जगत में है, यानी शरीर की इच्छा, चाहत, हसरत, लोभ, लालच, आँखों की अभिलाषा और जिंदगी का घमंड, अहंकार, ये सब परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यह सब संसार की तरफ से, शैतान की तरफ से है। मेरे प्रियो, संसार और शैतान के अभिलाषाएं दोनों सब एक दिन धीरे धीरे मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो मसीही परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वह सर्वदा बना रहेगा। हमें मुख्य तीन बातों का जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम व्यभिचार से बचे रहें, व्यभिचार करने का मन ना हो। नंबर एक, वचन में हमने पढ़ा शरीर की अभिलाषा। आप जानते हैं कि शरीर की अभिलाषा क्या है। अगर सुनने की हिम्मत है तो सुन लेना, और यह सच भी है। सुनो, सेक्स करना, शारीरिक संबंध बनाना, लड़कियों को पटाकर रात भर फोन से बात करना, लड़कियों को लाइन देकर उसको कैसे पटाएं, दिन रात यही सोचते हैं, आज कैसे न कैसे करके लड़की को पटाने में लगे रहते हैं। लेकिन वे मसीह यह भूल जाते हैं कि हम अपनी ही आत्मा को नाश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि शैतान का एक ही मकसद है, अपने 7 लाखों करोड़ों आत्माओं को नरक में ले जाना। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं आँखों की अभिलाषा क्या है एवं इच्छाएं क्या है? तो सुनो, सेक्स वीडियो देखना, लड़की को आँख मार कर और लाइन देकर गंदी पुस्तकें पढ़ना, यही सब है शैतान की इच्छाएं और अभिलाषाएं, और ये एक दिन मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तीसरी बात, जीवन का घमंड, जो कहता आज नहीं कल कर करके दिखाएंगे, कल को सोचेंगे, वे अपने जीवन का घमंड करते हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं है कल का दिन किसने देखा है। ये जीवन तो एक भाव के समान है, जो आज है तो कल नहीं है। ऐसा घमंड करना बेकार होता है, व्यर्थ होता है। जो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, लड़का लड़की शादी से पहले जो लड़की को व्यभिचार करने के लिए मनाते हैं, वे लोग मरने के बाद आग में नंगे ही डाले जाएंगे, जहाँ की आग नहीं बुझती है और जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जहाँ आग भी जलाएगी और कीड़े भी काटेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, पाप से बचे रहो, ताकि प्रभु के साथ चलना सीखो, ताकि अब स्वर्ग में चले जाओ। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो उसी मसीह विश्वासी को लेकर जाएगा, जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा, वही स्वर्ग में उठाया जाएगा। बाकी सब यहीं रहेंगे जिंदा जलने के लिए और खून पीने के लिए। क्योंकि आपको हर वीडियो में बताया जा रहा है भैया, क्योंकि अंत का दिन चल रहा है, सुधर जाओ और लौट आओ परमेश्वर के पास। परमेश्वर आपको माफ कर देगा, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नर्क में डालना नहीं चाहता है। जब आप खुद पाप करके उस नर्क में जाना चाहते हो तो परमेश्वर उसमें क्या करे भाई, क्या करे। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर जरूर कर देना। आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।